हिमाचल प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनावों में अभी से सभी राजनीतिक पार्टियों ने जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांगड़ा जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी कांग्रेस नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंकज ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरी कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जो अथह विकास प्रदेश में करवाया था उसे सभी जानते हैं। उनके देहांत के बाद कांग्रेस पार्टी किसे अपना लीडर मानती है अगले चुनाव की रणनीति उस पर निर्भर करेगी। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और बड़े मार्जिन से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाएगी। सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे और वर्ष 2022 के चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देखिए, जैसे कि हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी अब इस टाइम पे स्वर्गवास हैं, जो उन्होंने अथाह विकास कराया था वो आपके सबके सामने ही है। लेकिन अब वो उनके जाने के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी किसे अपना लीडर मानती है, किसे कमान सौंपती है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। और 2022 की तैयारी हमारी बिल्कुल जोरों शोरों से चली हुई है और हम सब इकट्ठे होकर इस तैयारी को 2022 के इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत बड़े बहुमत से यहाँ 70-80 की रेशो से जीत के आएंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है।